लिए जैसा हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे इन्फो एज इस पे हमारा फोकस बना हुआ है क्योंकि जोरदार उछाल देखने को मिला है क्या कारण है इस तेजी का बता रहे हैं आशीष आशीष क्यों इतना स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें देखिए शानदार बढ़त आज दस परसेंट के करीब का मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है कंपनी uh, के जो Q4 अपडेट्स आए बहुत बढ़िया देखने को मिले और देखिए स्टैंडर्ड ऑन बिलिंग अगर आप देखें तो 748 करोड़ से बढ़कर आठ करोड़ यानी पिछले साल के मुकाबले जो स्टैंडर्ड ऑन बिलिंग है इसमें तकरीबन 11 परसेंट का उछाल देखने को मिला और रिक्रूटमेंट सोल्यूशन का जो इनका बिजनेस है यानी नौकरी डॉट कॉम यहां पर भी अगर आप देखें तो जो बिलिंग है वो पांच करोड़ से बढ़कर छह करोड़ सात की बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है ओवरऑल अगर इनका जो रियल एस्टेट कारोबार अगर आप देखें जो 99 एकड़स हैं यहाँ पर जो बिलिंग का आंकड़ा है वो 104 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ है यानी साल दर साल 26 परसेंट की बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली है इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके काफ़ी सारे दूसरे बिजनेसेस भी हैं जैसे मिसाल के तौर पर जो बिलिंग दूसरे सेगमेंट्स में हुई है स्टैंडलोन आधार पर यहाँ पर इकसठ करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ 14 14-15 परसेंट के गेन्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिले और आईटी टी की तरफ से जो हायरिंग दोबारा शुरू हुई है और एफ आई के लिए जो आउटलुक पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बढ़ा एक और खास बात यह भी कि कंपनी जो है पीबी फिनटेक और जोमेटो में तकरीबन तेरह के आसपास स्टेक भी होल्ड करती है तो इसे भी ब्रोकरेज हाउस अपने आप में काफी पॉजिटिव मानते हैं आज जो रिपोर्ट आई सिटी की तरफ से जहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया पहले जो बिकवाली की राय दिया करते पांच हजार एक सौ पचास से सीधे बढ़ाकर छह हजार छह सौ पचास और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव आया फिलहाल 10 परसेंट के गेंद के साथ कर रहा है कामकाज ओके इन्फो एच जो स्ट्रेंथ देखने को मिली है उसके पीछे का कारण आपको बताया आशीष ने थैंक यू आशीष डिटेल